पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर मेडिकल कॉलेज के बाहर लगी चाचा नेहरू की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया गया है। तो वहीं इस मौके पर डेयरी अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी ने बताया कि देश के प्रथम प्रधानमंत्री चाचा नेहरू की आज 135वीं जयंती है और इस अवसर पर अजमेर के सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चाचा नेहरू को श्रद्धांजलि अर्पित की है और इस मौके पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रामचंद्र चौधरी भी मौजूद रहे। कांग्रेस कमेटी के द्वारा आयोजित श्रद्धांजलि समारोह के अंदर मैं अपनी तरफ से नमन करता हूं और याद दिलाना चाहता हूं देश में पंचवर्षीय योजना का दौर, याद दिलाना चाहता हूं देश के अंदर गुटमृक्ष आंदोलन का दौर, याद दिलाना चाहता हूं कि जमशेदपुर का टाटा कारखाना और भाखड़ा की बात, एम्स की आई बात, जो शिक्षा जगत में अंदर और सैन्य सेक्टर के अंदर जो उभर के आया ऐसे व्यक्तित्व ने जिन्होंने हमारे राजस्थान के नागौर से पंचायत राज की स्थापना की थी, ऐसे व्यक्तित्व के धनी को हम लोग नमन करते हैं, उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और आज इस दौर में तमाम लोगों को आप लोगों के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, वो फासिस्टवादी ताकतें जो सुबह सुबह व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी के अंदर जो अनगढ़ जो आरोप लगाते हैं उनको याद नहीं कि 13 साल का जीवन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जेलों में बिताया है, और जेलों में बिताए नहीं, उनकी आज भी बुक्स है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, पढ़िए देखिए कि इसके अंदर उसके बाद में उसने देश की लड़ाई के लिए क्या लड़ा। और तो और मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अजमेर के कलेक्टर का एक वोट है, मेरे मोहल्ले के अंदर रहने वाले गरीब व्यक्ति का एक वोट है, ये समानता का अधिकार लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए किसी व्यक्ति ने दिया था तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। के जन्म तिथि पर मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हुआ उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने, नेहरू जी आधुनिक भारत के निर्माता थे, उन्होंने परमाणु शक्ति के ऊपर ध्यान दिया, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बनाया, अंतरिक्ष के लिए इसरो की स्थापना की, केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाए, भारत की हर एक नदी के जोड़ कर बांध करके और उस पानी को रोक करके बांध बनवाए, उससे भारत का विकास कृषि क्षेत्र में भी हुआ, बांध के पानी से पीने के पानी के लिए भी हुआ, और वही पानी जो है बिजली पैदा करने के लिए भी काम है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नेहरू जी की इतनी ख्याति थी कि नेहरू जी के पूरे दुनिया के सब मुल्क के जो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री थे नेहरू जी को बड़ी आदर भाव से देखते थे, और इसलिए गुट निरपेक्ष आंदोलन बना जिससे कि जो है पूरी दुनिया में नेहरू जी को ख्याति मिली, नेहरू जी को शांति का दूत मानते हैं पूरी दुनिया में।